बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद करती हूँ कि आप सब बिल्कुल ठीक होंगे, खुश होंगे। मेरा नाम है फातिमा और आज मैं आपको बनाना सिखाऊंगी बहुत ही मज़ेदार एप्पल जूस की रेसिपी। सो चलिए रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सबसे पहले आपको चाहिए होंगे 6 अदद सेब, ये आपने ले लेने हैं और इनको आपने छोटा छोटा कट कर लेना है और उसके बाद आपने इनको ब्लेंडर में शामिल कर देना है। मैं यहाँ पे आपके साथ 1 लीटर एप्पल जूस की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। यहाँ पे मैंने इसके अंदर शामिल कर दिया है 3 टेबलस्पून लेमन जूस का, यानी कि नींबू का रस, 1/2 टीस्पून इसमें जाएगा काला नमक और 5 चम्मच इसमें आपने भर के शामिल करनी है शक्कर के। मैंने यहाँ पे शक्कर ली है, आप चाहें तो ब्राउन शुगर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं और नॉर्मल घर की चीनी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, वाइट वाली। इसके बाद इसमें शामिल कीजिए 1 लीटर ठंडा पानी। थोड़े से इसके अंदर जाएंगे बर्फ़ के टुकड़े, मैंने यहाँ पे थोड़े इस्तेमाल किए हैं क्योंकि पानी मैंने ठंडा इस्तेमाल किया था। अगर आपका पानी रूम टेम्परेचर पे है तो आप थोड़े ज़्यादा आइस क्यूब्स भी डाल सकते हैं। इसके बाद इसको अच्छे तरीके से आपने ब्लेंड कर लेना है। एक चीज़ यहाँ पे और बताना चाहूँगी आपको, मैंने सेब जो थे वो छिलकों समेत यूज़ किए थे क्योंकि उससे बहुत ज़्यादा रिच ड्रिंक बनती है आपकी। लेकिन अगर आप चाहें, आपको नहीं पसंद, तो आप सेब का पहले छिलका रिमूव करें और उसके बाद इसको डालें और ब्लेंड करें। तो मज़ेदार एप्पल जूस आपका बनके तैयार हो चुका है। इसकी तासीर भी बहुत अच्छी होती है और गर्मियों के लिए तो बहुत ही अच्छी चीज़ है। लाजमी ट्राई कीजिएगा रेसिपी को। वीडियो अगर आज की आपको अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, रेड बटन पे क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन पे क्लिक कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़ एंड अल्लाह निगेबान।